हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का केटमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अपनी मैथ की प्रैक्टिस को अच्छे से कर पा रहे होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देर किस बात की, रेलवे एनटीपीसी वाले शुरू हो जाओ। इस बार आर या पार सिलेक्शन तो होना ही चाहिए 2021, यही तो आपका संकल्प है। तो चलिए, आपके संकल्प को और दिशा देने के लिए हमने आपके लिए जो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया उसको आगे करेंगे। फ्रेंड्स, आज खुशी की बात ये है कि मैं आपके लिए 10वीं क्लास लेने जा रहा हूँ, तो कॉपी और पेन फटाफट जरा उठाइए और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हम लोग अपनी एनटीपीसी के अंतर्गत मैथ्स को ले रहे हैं, यहाँ मैथ्स की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और मैथ के प्रैक्टिस के अंतर्गत हम लोग अपना क्लास आज 10वां लेंगे। तो चलिए भाई, 10वीं क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी हमने एक एक सेक्शन आपके लिए स्टार्ट किया जिसमें मैं आपको अभी एलजेब्रा, जो भी आपके अंतर्गत एनटीपीसी ने अब तक सवाल पूछे हैं, एलजेब्रा वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि वास्तव में क्वेश्चन कैसे आए हैं, कैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इस क्रम पे मैं बात करता हूँ, पीछे की 9 क्लासेज आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा जो भी स्टूडेंट इस क्लास को आज पहली बार देख रहा होगा, पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। दूसरी की काम ये करना आपको, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करना है ताकि उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ प्रश्नों के ट्रेंड से परिचित होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, पीछे की 9 क्लासेस आपके लिए जरूरी हैं, तो आप उन क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देखते हुए आराम से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए। और जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इसका PDF आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पर दे दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक हमने दे रखी है, आप क्लिक करिए और ग्रुप को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आप भी इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर लाभ उठाइए। ये सारी क्लासेस आपके लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये कंटिन्यू चलती जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से कमरे पे बैठिए और इन क्लासेस का पूरी तरह से लाभ उठाइए। तो चले आज के काम की शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि पीछे की जो क्लासेस रही हैं, अभी तक हमने 70 क्वेश्चन एलजेब्रा में आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो आज की क्लास 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। और यहाँ पे हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 71 ले रहे हैं। देखता हूँ कि 71 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न ये है, C2 के किस मान के लिए, तो C2 के किस मान के लिए इक्वेशन एक दिया गया, समीकरण है यहाँ पे 6x+2y, तो 6x+2y इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड है 3x+y इज इक्वल टू C2 की प्रणाली यानी सिस्टम संपाति। यहाँ एक शब्द लिखा गया संपाति, आपने इसे पढ़ा हुआ है। कोइंसिडेंस होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो यार, कितना अच्छा सही प्रश्न, अगर इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना हो तो बड़ा मजा आएगा, आपने अलजेब्रा में पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के जो केसेस होंगे आपके पास, ये दो इक्वेशन है यानी इनका जो स्टाइल है वो क्या है, a1x+b1y+c1 = 0 और a2x+b2y+c2 = 0 के रूप में दोनों इक्वेशन है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको ये बता रखा है कि आप टेंशन नहीं लोगे, आपको क्या करना है, x1 / x2 बराबर क्या, y1 / y2 इज इक्वल टू c1 / c2, इसी से कंपेयर कर दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। यहाँ ध्यान दो कि x1 के लिए आपका काम कितना करेगा, 6, और x2 के लिए क्या काम करेगा, 3 करेगा। तो इसका अर्थ ये रहा कि 6/3 इज इक्वल टू, देखो यहाँ y1 के लिए 2 है, यहाँ y1 के लिए कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो आप लिख सकते हो 2/1 इज इक्वल टू। c2 के लिए डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 2 है, तो 2 लिखना और यहाँ पे हमें फाइंड ही करना है, तो ये c2 यहाँ लिख दो। अब आपकी मर्जी, दोनों से आंसर ले सकते हो। अगर दोनों से आंसर लेना तो एक बार इस केस को ले लेता हूं मैं। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा
तो ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2/C2 के। बोलो 2 से 2 को कैंसिल कर दूं तो C2 इज इक्वल टू कितने के आएगा, 1 आ जाएगा। या फ्रेंड्स इससे भी ले सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो कि 6/3 इज इक्वल टू 2/C2 के। बोलो यहाँ से क्या करोगे, 2 3 6 और 3 1 3। तो आप लोग हमें ये बता दो कि C2 इज इक्वल टू क्या, 1। यानी दोनों कंडीशन में हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है कि C2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वह 1 आएगी, और यही आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया है, तो फटाफट सब लोग कॉपी करिए ताकि मैं आपके अगले क्वेश्चन पर चल पाऊँ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो भाई, अगर आपको गणित अच्छे समझनी प्रैक्टिस करनी, पहले कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, क्योंकि देखो जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फाइनल सिलेक्शन वही पाएगा, बाकी तो सब तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, उसमें एक से बढ़कर एक चीजें होती हैं, कई सवालों में नई नई चीजें आपको बता पा रहा होता हूँ, तो इस नाते आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करूंगा। और हाँ, आप लोग जरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, और अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी थोड़ा दूसरों के लिए भी जी के देखो भाई। चलिए, मैं तो आपके साथ लगा ही हूँ। अब मैं आपके लिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 72 दे रहा हूँ। 72 NTPC ने कुछ यूं पूछा है, x^-x^5-x^4-x^4-x^2-4, ब्रैकेट क्लोज करो, के घटक क्या हैं। तो के घटक क्या हैं वो देखेंगे। इसका ऑप्शन लिखना जरा जरूरी है, इस नाते मैं इसका ऑप्शन इस साइड लिख देता हूँ। इसके फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया कि x-1, सेकेंड ऑप्शन में लिखा x+1, थर्ड में लिखा गया दोनों। दोनों क्या, x-1 और x+1। फोर्थ में लिखा गया ना तो x-1 और ना ही x+1। आगे ना छोटा सा प्यारा सा प्रश्न, चलो फटाफट मिलके हम दोनों लगा लें। जरा फटाफट आप लोग भी तो सॉल्व करो। यहाँ करना क्या, देखो x^4 1 1 2 बार आ गया, तो पहले थोड़ा इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश कर लो। तो यहाँ से इसे मैं लिख सकता हूँ x^6। बोलो x^4 2 बार आया, तो इसे लिख सकता हूँ, इसको एक साथ कर लो, x^5-2 x^4। बोलो चलेगा, माइनस हो जाएगा x^2-4। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई हैं, बार बार देखो x-1 और x+1, इनको ही रख के हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो चलो हम लोग इसे दो केस में डिवाइड कर लेते हैं। केस फर्स्ट की बात करता हूँ, तो अगर x-1 दिया गया तो x-1 = 0 कर दूं, तो केस फर्स्ट में हम x = 1 रख देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे केस सेकंड ले लो, x+1 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिख दो x = -1, इसकी वैल्यू रखने पर। इक्वेशन आपके पास पहले से लिखा भाई, अब देखें यहां से इक्वेशन, ये x^6 है, तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे लगा दूंगा आपके लिए ऐसे कि भाई चलो 1^6 हो जाएगा, -1^5, -2 × 1^4, माइनस हो जाएगा 1^2 और -4। क्लियर यहाँ तक। देखो भाई, अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1^ चाहे जो लगा लो, ये तो वही बात, भारत एक था एक है और एक रहेगा, उसी स्टाइल में देखो। यहाँ 1^6 मतलब 1, यहाँ देखो आपके पास कोई टेंशन नहीं है, तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ से -2 होगा, ये फिर आपके पास कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ से, और ये -4 होगा। इस सारे नेगेटिव नंबर को एक साथ ले लो,
तो आपके पास आएगा 1 माइनस, देखो ये 3 1 4 और 4 8 -8, तो 1 में से -8 जाएगा तो -7 आएगा। पहला केस ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका पहला है ये घटक तो है ही नहीं -7। सेकंड केस देख लेता हूँ, सेकंड केस में आपने कहा कि x बराबर -1 रखूंगा, इक्वेशन यही होगा। तो जब इक्वेशन यही रहेगा भाई, तो देखिए ना यहाँ पे लिख लीजिएगा, हमारे पास ये आ जाएगा -1 की पावर 6 होगा, माइनस -1 की पावर 5 ले लो, फिर यहाँ से -2 इंटू -1 की पावर कितना 4, और यहाँ से -1 का स्क्वायर -4, ब्रैकेट क्लोज। इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आपको यही सिखाया हूँ कि जब कोई नंबर नेगेटिव हो उसकी पावर यहाँ पे क्या है, इवन नंबर, सम संख्या, तो उसका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो याद है ना आपको। तो देखो यहाँ पे ऐसा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, यानी माइनस समाप्त हो गया। अगर किसी नंबर की पावर ऑड होती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज नेगेटिव होगा, बट माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ से गौर करो, यह पॉजिटिव हो जाएगा 1, लेकिन माइनस के नाते ये भी क्या होगा, फिर माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा -2, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा -4 के। अब आप ध्यान दो तो प्लस कौन कौन गया, 1 1 2 और 2 1 3 हो गया, हमारे पास ये 3 प्लस में आ जाएगा और -4 2 6 हो जाएगा। ये तो हो गया आपके पास, यहाँ से 1 आपने कर लिया, ये हमारे पास माइनस था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, यहाँ से हमारे पास ये प्लस था तो माइनस होगा, ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस ये हो गया। तो 1 1 2 1 3 आ गया, 4 2 6 हो गया, तो आपके पास कितने आ रही है, यहाँ से -3 आ गया। तो ये भी निश्चित तौर पे घटक नहीं है, और जब दोनों ही आप देखें वैल्यूज रखने पर इसकी वैल्यू नहीं प्राप्त हुई, तो हम कह देंगे इसका घटक ना ही x-1 है और ना ही x+1 होगा। तो दोनों आपके आंसर नहीं है, जो इन्होंने दे रखा है इक्वेशन वो इस पे फिट नहीं बैठता, इस नाते हमारा विकल्प यहाँ पे डी बनेगा। और अब मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है, चलो फटाफट नेक्स्ट नंबर पे तैयार हो जाओ। बस इनकी वैल्यू को पुट करना था। क्वेश्चन नंबर आपको 73 दिया गया, तो 73 जरा लिखो मेरे साथ, यहाँ लिखा है वास्तविक यानी रियल, तो ये हो गया वास्तविक ए बी और सी के लिए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी ए है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन आपके पास लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो एबीसी को कैसा बताया गया है, वास्तविक। अगर यहाँ पर एबीसी को वास्तविक बता दिया गया, तो ये वास्तविक एबीसी होने के नाते ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मैं ले लेता हूँ। अगर ए बराबर बी बराबर सी मैंने ले लिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ ये आपको फाइंड करना है, आपने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, क्लास 1 में सिखाया था ना, तो ये क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोलो भाई। अब यहाँ से ध्यान दे दो कि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी अपने पास है, पहले से पता है इस वाले की वैल्यू, देखो यह बराबर ए बी बी सी सी ए है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह मैं लिख देता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
अब प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये पहले से है तो दो ये हो गया, एक ही हो गया तीन, तो इसे लिख सकते हैं थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो यहाँ तक चलेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही बराबर क्या दिया गया फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बराबर लिख सकते हो थ्री इंटू इसके बदले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान दो तो थ्री इंटू, अगर ए बराबर बी बराबर सी है तो जो चारों ऑप्शन आपके दिए गए उनमें सब में ए के फॉर्मेट में ही आंसर लिखा गया, तो मैं ए के बदले में लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, बी के बदले में भी ए स्क्वायर, सी के बदले में ए स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूँ? इसका मतलब एक दो तीन, तो ये थ्री इंटू थ्री ए स्क्वायर, बोलो तीन त्रिके नौ, नाइन ए स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो लग गया सबका? चलिए फटाफट सॉल्व करिए, क्या समझ में आया, कोई डाउट है किसी प्रकार का? तो सब कुछ आपके सामने लगा है और इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते रहिए। जल्दी जल्दी। अब मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट लूंगा 74, और देखता हूं कि 74 नंबर कैसे आप डिस्कस करोगे। सेवेंटी फोर का क्वेश्चन ये दिया गया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 3.5x बराबर 0.07y है तो इन्होंने लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर y माइनस एक्स अपॉन वाई, नहीं ऐसे लिखा है भाई, ये लिखा था वाई माइनस सी एक्स, ऑब्लिक है वाई प्लस एक्स का परिणाम क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है भाई। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखो पहले इसे सिंप्लीफाई करो, एक्स और वाई का मान निकालो। मुझे एक बात सारे लोग बता दो कि अगर डायरेक्टली मैं एक्स बटे वाई लिख दूं डियर फ्रेंड्स, तो एक्स की वैल्यू 3.5 है, यानी यहाँ पे राइट हैंड से एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पे कितना है दो अंक पे। तो अगर कहो तो मैं इसे 7/350 लिख दूं, कैसे, ये तो आपको पता है ना, पूर्णांक में बदल दिया, और 7 × 5 = 35, इसलिए एक्स बटे वाई की वैल्यू आई 1/50 के। यहाँ से अब रेशियो मेथड से ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू एक ले लो और वाई की वैल्यू 50 ले लो, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है आपका क्वेश्चन, वाई माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स। बोलो वाई की वैल्यू कितनी भाई, 50, 50 माइनस वन अपान कर दो 50 + 1 बराबर 49/51, यही आंसर है। यानी इसमें कोई काम ही नहीं था, बस ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू पा लेने के बाद सीधे आपका आंसर आ जाना था। समझ में आ गया? तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? और साथ ही साथ बैठे बैठे जरा वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेता हूं 75 नंबर। 75 में यहाँ पे लगा मजला कोष्ठक, इसके अंदर 8/10 इंटू 9/7 है और इंटू है 7^8 की गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यही आपका क्वेश्चन है। देखो इस तरह क्वेश्चन पीछे भी आप कर चुके हो, तो ये टोटल घातांक के बेस पर आपका सेक्शन है, जैसा कि मैं कहता हूँ घातांक गणित पूरी हमने पढ़ाई, वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप बस प्लेलिस्ट में पहुंचिए, चैप्टर को देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और इसके पार्ट 1 में भी हमने बता रखा आपको, ठीक है? चलो भाई
अगर इसे सिंपलीफाई करोगी तो मुझे बताओ क्या 2 की पावर 3 की पावर में 10 लिख दूँ, कोई डाउट आपको? नहीं ना, इनटू इसे लिख सकते 3 की पावर 2, 3 3 9 की पावर 7, इनटू 7 की पावर 8। आगे चलो, पावर की पावर बनेगी तो क्या करते हैं, पावर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई 10 3 10 में 30, तो आपके पास 2 की पावर 30 होगा, इनटू 7 2 14, 3 की पावर 14, और इनटू हो जाएगा 7 की पावर 8। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसको 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 सभी को जोड़ दो, तो 30 प्लस 14 तो 30 14 44, अब 8 52, कुल इसके 52 प्राइम फैक्टर होंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करिए। हो गया क्या? बहुत अच्छे, तो अगर हो गया भाई तो आगे बढ़ते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ जी बिल्कुल, मन लगा के सब लोग प्रैक्टिस करिए और आराम आराम से आगे बढ़ते चलिए। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 76, देखो 76वां सवाल क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि ब्रैकेट के अंदर x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, x³ + 1/x³, और इसके बटे में लिखा है x² + 1/x² का मान क्या हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है कि जब हम इस क्वेश्चन को लेंगे तो आपको इतना समझना है कि इसको लेकर के आराम से आप सिंपलीफाई कीजिएगा। एक्स दो आंसर लो, सीधा समझौता है, बताओ क्या इसे मैं x² + 1 = 4x लिख सकता हूँ? बताओ भाई बताओ। अब मैं चाहता हूँ इस एक्स को इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आओ बच्चों, तो जब ये आएगा तो इसके बटे भी होगा, इसके बटे भी होगा, तो ये पावर 2 से घट के क्या होगी, 1 + 1/x = 4। कोई टेंशन किसी को होना भी नहीं चाहिए। अब यहां से जब आपको ये मिल गया तो आपको एक जगह पावर 3 दिख रही है, एक जगह पावर 2 दिख रही है भाई, तो यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड कर दो सीवीएस, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड एसबीएस कर दो। तो चलो कर लेते हैं हम लोग, फिर सीधे आंसर देना रहेगा। तो पहले वाले में दोनों पक्षों का क्यूब कर लेते हैं घन, और दूसरे वाले में दोनों पक्षों का वर्ग यानी स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इसमें दोनों पक्षों का घन करोगे भाई तो बताओ, a + b का क्यूब पढ़े हो ना, a³ + b³ + 3ab, और इनटू क्या होता है, a+b बराबर 4 चौक 16 चौक 64 होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। देखो x + 1/x की वैल्यू कितनी भाई, 4 है, तो यहां से आप निकाल पाओगे x³ + 1/x³ बराबर, ये 64 है ना, ठीक है बोलो भाई, और 3 चौक 12, 64 में से 12 घटा देगा तो आपके पास आ जाएगा 52। चलो SBS कर लेते हैं, अगर SBS करूंगा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या होगा, a² + b² + 2ab बराबर हो जाएगा 3 3 4 है ना, तो 4 चौक 16, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 को इधर पक्षांतर कर दो, तो x² + 1/x² बराबर 1/14 आ गया। अब देखिए आपको दोनों वैल्यू पता है, x³ + 1/x³ का मतलब 52 है और इसका मतलब 14 है। अब आप लाके सीधे इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर। यहाँ से देखो इसके बदले कितना लिखोगे, 52 और इसके बदले 14, कहो तो 2 से काट दें, तो भाई ये 26 हो जाएगा और ये 7 होगा, तो 26/7 ही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं सबको? तो फटाफट सॉल्व करिए और आगे बढ़ते रहिए।
कोई डाउट हो तो बताते रहिएगा। ये सब बहुत ही अच्छे से प्रश्न, बस एक बार इन्हें ध्यान से देख लेंगे आप तो निश्चित तौर पे कम से कम आपका इस बार बेड़ा पार हो जाएगा। और हर चैप्टर में आपको इंटरेस्टिंग तरीके से लेके आता हूँ, एलजेब्रा चलेगा, फिर एक एक सेक्शन हमने सब आपसे डिस्कस किया है कि हम लोग की स्ट्रेटजी क्या है इस बार प्रैक्टिस की। मैं आप सभी फ्रेंड्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, यानी 77। अगर क्वेश्चन 77 की बात हम करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लिखो जरा 77। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो आपको एक्स की पावर 4 और प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 क्या होगा ये फाइंड करना है। अगर हम ध्यान दें इस क्वेश्चन को तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना है। देखो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर 5 25 25, बोलो हो जाएगा। इसे कैंसिल करो, इसका इधर पक्षांतर कर दो, सो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 बराबर 25, में से 2 घटा दो कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबके? तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक, मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।